हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यह है टेस्ट नंबर 24 फॉर हिस्ट्री यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वन के साथ। देखिए, कंसीडर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, अकबर ओपन द हॉल ऑफ प्रेयर फॉर हिमसेल्फ कॉल्ड इबादत खाना टू डिस्कस बेसिक टेनेंट्स ऑफ इस्लाम एंड इन्वाइटेड उलेमाज। अकबर ने खुद के लिए इस्लाम के बुनियादी सिद्धांतों पर चर्चा करने के लिए एक प्रार्थना हॉल खोला जिसे इबादत खाना कहा गया, एंड ही इन्वाइटेड उलेमाज को इन्वाइट किया। सेकेंड, अकबर इशूड अ मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट टू बी ऑब्जर्व बाय द पीपल ऑफ हिज एम्पायर नाउन एज दीन इलाही और ताहूद इलाही। अकबर ने एक नैतिक आचार संहिता जारी की जिसे उसके साम्राज्य के लोग दीन इलाही के नाम से जानते थे। तो ये देखेंगे करेक्ट कोड यहाँ। तो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सी, एक एक प्रेयर के लिए हॉल किया जिसे इबादत खाना कहा गया, एंड एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट जिसे दीन ए इलाही कहा गया। ये दोनों ही अकबर के रिगार्ड में सही है। अब क्वेश्चन सेकंड देखेंगे। कंसीडर दी स्टेटमेंट्स अबाउट मिनीचर पेंटिंग्स, लघु चित्रकला के बारे में कथन। फर्स्ट देखिए, दी अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ मिनीचर पेंटिंग्स इन इंडिया इन दी फॉर्म ऑफ इलस्ट्रेशंस टू द रिलीजियस टेक्स्ट ऑन बुद्धिज्म एग्जीक्यूटेड अंडर दी पालाज ऑफ बंगाल एंड बिहार एंड बिलोंग टू वज्रयाना सेक्ट। बंगाल और बिहार के पाला शासकों के अधीन निष्पादित बौद्ध धर्म के धार्मिक पाठ के निर्देशों के रूप में भारत में लघु चित्रकला के सबसे पुराने उदाहरण और वज्रयान संप्रदाय के हैं। सेकंड देखिए, द मिनीचर्स ऑफ मेवाड़ स्कूल आर बेस्ड ऑन रागाज एंड आर फ्यूजन ऑफ पेंटिंग्स पोएट्री एंड म्यूजिक। मेवाड़ स्कूल के लघु चित्र रागों पर आधारित है और कविता संगीत को चित्रित करते हैं। एक करेक्ट कोड देखेंगे यहाँ कौन सा सही है मिनीचर पेंटिंग्स के रिगार्ड में लघु चित्रकला। तो यहाँ होगा सी, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये देखिए, द मिनीचर्स ऑफ मेवाड़ स्कूल दे आर बेस्ड ऑन रागास, ठीक है, एंड दे आर फ्यूजन ऑफ पेंटिंग्स पोएट्री एंड म्यूजिक। और द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ मिनीचर्स आर found ever executed under the Pala rulers of Bengal Bihar and this will belong to Buddhism sect of Vajrayan sect of Buddhism। तो ये देखेंगे। अब मेवाड़ स्कूल के बारे में देखेंगे। मेवाड़ स्कूल वॉज मोर कंजर्वेटिव एंड इट अवॉइडेड द डोमिनेंस ऑफ मुगल्स, ठीक है। मेवाड़ स्कूल रूढ़िवादी शैली में मुगलों के वर्चस्व से बचा था। ओके, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर थ्री। द फर्स्ट मुगल बिल्डिंग विच इज़ कम्प्लीटली मेड ऑफ वाइट मार्बल, पहली मुगल इमारत जो पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से बनी थी, जैसे यहाँ टॉम्ब ऑफ हुमायूं है, टॉम्ब ऑफ एतमादुल्ला है, टॉम्ब ऑफ जहांगीर है, टॉम्ब ऑफ अकबर है, तो कौन सा मकबरा जो था मार्बल था। तो यहाँ ऑप्शन होगा सेकेंड, टॉम्ब ऑफ एतमादुल्ला, ठीक है, आगरा का। तो यह है फर्स्ट मुगल बिल्डिंग थी विच वॉज कम्प्लीटली मेड ऑफ वाइट मार्बल, याद रखना है। अब यह स्टेटमेंट देखिए, द टॉम्ब ऑफ हुसैन शाह इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर विच इज़ कम्प्लीटली मेड ऑफ वाइट मार्बल। फर्स्ट मुगल बिल्डिंग कौन सी जो कम्प्लीटली मार्बल से बनी थी, वो थी टॉम्ब ऑफ एतमादुल्ला। परंतु वैसे फर्स्ट बिल्डिंग कौन सी थी, टॉम्ब ऑफ हुसैन शाह जो कि मध्य प्रदेश मांडू में स्थित है। अब क्वेश्चन फोर देखेंगे। कंसीडर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट वेजारा टेम्पल्स, वेजारा टेम्पल्स के रिगार्ड में। दे आर ऑल्सो नोन एज चालुक्य राष्ट्रकूटा स्टाइल, उन्हें चालुक्य राष्ट्रकूटा शैली के रूप में भी जाना जाता है। इन दिस आर्किटेक्चर बेसिक पैटर्न फॉलोज द ड्रेविडियन स्टाइल बट फॉर डेकोरेटिव पर्पज नागारा पैटर्न इज फॉलोड। वास्तुकला में मूल पैटर्न द्रविड़ शैली का अनुसरण करता है, लेकिन सजावटी उद्देश्यों के लिए नागारा पैटर्न का पालन किया जाता है। अहियोल, पाटाडकाल, बेलूर एंड हैलाबाद आर दी साइट्स ऑफ दी वेसारा टेम्पल्स। तो करेक्ट कोड देखिएगा वेसारा टेम्पल्स के रिगार्ड में। यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इन्हें चालुक्य राष्ट्रकूटा स्टाइल भी कहते हैं और बेसिक पैटर्न ऑफ आर्किटेक्चर में ये द्रविड़ियन शैली को फॉलो करते हैं, परंतु डेकोरेटिव पर्पस के लिए नागारा पैटर्न, और ये सभी वेसारा टेम्पल्स के एग्जाम्पल है। अब क्वेश्चन फाइव देखिएगा। कल्याण मंडपा आर दी फीचर्स ऑफ, कल्याण मंडपा किसके फीचर्स थे, पांड्या टेम्पल, जोयसाला, विजयनगरा या फिर नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा सी,
विजयनगर टेम्पल्स, कल्याण मंडपास वर दी फीचर्स ऑफ विजयनगर टेम्पल्स। ठीक है, ये देखेंगे विजयनगर टेम्पल्स कहाँ थे, देवर दीज आर द रीजनल वेरिएशंस ऑफ द्रविड़ियन स्टाइल। विजयनगर टेम्पल द्रविड़ियन स्टाइल के हैं, और दे एडिड स्विंग और हैंगिंग टेम्पल्स। ठीक है, स्विंग एंड हैंगिंग टेम्पल्स, ब्यूटीफुली स्कल्पचर्ड पिलर्स कॉल्ड कुदूर गुम्ब और हॉर्स डॉल, सुंदर मूर्तिकला खंभे जिसे कुदूर गुम्बे कहा जाता है। एंड एडिशनल मंडपाज वर कंस्ट्रक्टेड, एडिशनल मंडपाज वर कंस्ट्रक्टेड कॉल्ड कल्याण मंडपा, ये याद रखना है, विच सर्व्ड मैरिज हॉल फॉर द डिविनिटीज। अतिरिक्त मंडपों का निर्माण कल्याण मंडप के नाम से किया गया, जो दिव्यों के लिए विवाह मंडप था। तो ये कल्याण मंडपा था विजयनगर का फीचर। ठीक है, अब क्वेश्चन 6 देखेंगे, व्हाट वर दी कॉजेस फॉर दी डिक्लाइन ऑफ गुप्त एम्पायर, गुप्त एम्पायर के पतन के कारण। फर्स्ट है जैसे वीक आर्मी स्ट्रक्चर विद वीक आर्मी स्ट्रक्चर्स, कमजोर सेना संरचना, और कोलैप्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड विद रोमन्स, लॉस ऑफ सिल्क रूट एंड वीक सक्सेसर्स। तो देखेंगे कोलैप्स ऑफ लॉन्ग रूट, डिस्टेंस ट्रेड विद रोमन्स, लॉस ऑफ सिल्क रूट, रेशम मार्ग का नुकसान, और वीक सक्सेसर्स, कमजोर उत्तराधिकारी। तो कौन से इनमें से डिक्लाइन होने के कोर्स थे गुप्त एम्पायर के, करेक्ट कोड देखिएगा। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी गुप्त एम्पायर के पतन के कारण थे, जिसमें था एक तो वीक आर्मी स्ट्रक्चर, कमजोर सेना संरचना, कोलैप्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड विद दी रोमन्स, रोमन्स के साथ लंबी दूरी के व्यापार का पतन, और लॉस ऑफ सिल्क रूट, रेशम मार्ग का नुकसान, एंड वीक सक्सेसर्स, कमजोर उत्तराधिकारी। ये सभी गुप्त एम्पायर के डिक्लाइन के कारण थे। क्वेश्चन 7 देखेंगे, अशोका एनग्रेव्ड 4 केव्स इन बाराबर हिल्स, अशोक ने बाराबर पहाड़ियों में 4 गुफाओं को उकेरा। एंड दशरथा एनग्रेव्ड 3 केव्स इन नागार्जुना हिल्स, दशरथ ने नागार्जुन हिल्स में 3 गुफाओं को उकेरा। तो करेक्ट कोड देखेंगे, यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा सी, दोनों ही सही है। किंग अशोका ने 4 केव्स बनाई थी ये बाराबर हिल्स में, एंड दशरथा ने नागार्जुन हिल्स में 3। तो ये केव्स कौन सी थी, 4 केव्स इन बराबर हिल्स कौन सी थी, सुदामा, कर्ण छापोर, लोमास ऋषि एंड विश्व झोपड़ी। एंड 3 केव्स इन नागार्जुन में गोपिका, वाहियाक एंड वेदाठीक, ये अशोका एंड दशरथा ने ये किया था। अब क्वेश्चन 8 देखेंगे, रेफरेंस ऑफ इंडियन डांस फॉर्म इज फाउंड इन, भारतीय नृत्य रूपों का संदर्भ किस में मिलता है, जैसे यहाँ नाट्य शास्त्र है और काम सूत्र है। ये सी ऑप्शन बहुत है अभी, नाइदर है अभी। तो रेफरेंस ऑफ इंडियन डांस फॉर्म इज फाउंड इन नाट्य शास्त्र। ठीक है, अब क्वेश्चन 9 देखेंगे, विच ऑफ दी फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मेज्ड, नॉट करेक्टली मेज्ड, ये डांस फॉर्म्स है, आंकिया नट यहाँ असम, भूटा कर्नाटक, भावाई राजस्थान, जात्रा वेस्ट बंगाल, विच इज नॉट करेक्टली मेज्ड। दी करेक्ट ऑप्शन हियर इज दी, आप सोचिए जरा, यह है सी, भावाई इज नॉट ऑफ राजस्थान। देखेंगे कैसे, बिकॉज भावाई वॉज इज प्रैक्टिस्ड इन राजस्थान एज वेल एज इन गुजरात। ओके, याद रखना है, भावाई इज इन राजस्थान एज वेल एज इन गुजरात। बांधनी अटाई एंड डाई आर्ट फॉर क्लॉथ प्रिंटिंग इज प्रैक्टिस्ड इन, जो एक टाई एंड डाई आर्ट फॉर्म है फॉर क्लॉथ प्रिंटिंग, ये कहाँ प्रैक्टिस की जाती है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, या नन ऑफ अबव। यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड, राजस्थान। बंधनी ए टाई एंड डाई आर्ट फॉर्म क्लॉथ प्रिंटिंग इज प्रैक्टिस इन राजस्थान। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू।